हेलो फ्रेंड, आई एम लक्ष्मी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी नंबर वन। तो टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ कैपिटल लेटर। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के स्पिक ना करें, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज़ कहाँ करते हैं और कैपिटल का लेटर का यूज़ कहाँ करना है और इसका यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो हम ग्रामर सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ग्रामर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा लेटर लिखना है, कहाँ पर हम कौन सा लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में हर चीज़ को सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है, ग्रामर में हर चीज़ को। तो इसको हम रूल वाइज सीखेंगे कि क्या क्या रूल होते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है, ईच सेंटेंस पोयम का पहला लेटर कैपिटल होगा। मतलब प्रत्येक सेंटेंस, मतलब जो भी आप सेंटेंस लिखते हो, जो भी आप वाक्य लिख रहे हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। और पोयम, पोयम की जो पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी जो लाइन होती है, उसमें जो पहला वर्ड आता है उसका लेटर आपका हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा ही इज माई ब्रदर, ठीक है, तो ही इज माई ब्रदर, जो हमने यहाँ पे जो ही लिखा, ही का जो एच वो क्या है, आपका कैपिटल लेटर है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड है और वर्ड का ये पहला लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर होगा वो होगा आपका कैपिटल लेटर। कि मैंने बताया कि प्रत्येक वाक्य का पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आप फुल स्टॉप के बाद, यानी फुल स्टॉप यानी आपने एक सेंटेंस लिखा और वो फुल स्टॉप पे फिनिश हो गया, ठीक है, अब इसके बाद आपको जी जो आप सेंटेंस लिख रहे हो उसका भी लेटर हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ लिखा है डोंट डिस्टर्ब मी, तो यहाँ पर जो मैंने डोंट यानी जो डू लिखा, डोंट डिस्टर्ब मी, तो यहाँ पर जो डोंट लिखा है इसका जो लेटर है वो कैपिटल लेटर है, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड है और वर्ड का पहला लेटर भी है, इसीलिए हमने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। सेकेंड है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला लेटर आपका कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का नाम हमें क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में कैसा, दिल्ली, तो दिल्ली का जो डी है वो कैसा आपका कैपिटल लेटर है, दिल्ली का जो दी है वो आपका कैपिटल लेटर है। और मदन, यानी जो मदन है वो किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, तो नाम का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। राहुल भी किसी का नाम है, इसीलिए इसके नाम का जो पहला लेटर हो कैपिटल लेटर है। और रशिया एक किसी जगह का नाम है, ठीक है, तो इसीलिए इसके नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर है। और कभी भी आप इनका यूज़ करोगे तो हमेशा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर आपने इसका यहाँ पे आर यानी जहाँ पे राहुल लिखा है, और राहुल को अगर आप राहुल, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर करा, जबकि नाम के आगे जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। प्रोनाउन का आई एंड इंटरजेक्शन का ओ, यानी जहाँ भी हम प्रोनाउन का आई और इंटरजेक्शन का ओ, यानी जहाँ भी इनका यूज़ करेंगे हमेशा ये कैपिटल में ही होंगे, ठीक है। इनका जहाँ भी यूज़ किया जाएगा वो कैपिटल में होगा, चाहे आप शुरू में यूज़ करो इनका, चाहे वो आप बीच में यूज़ करो, लेकिन इनका जो लिखना है वो आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। जैसे लिखा है इट इज़ आई हु सैड सो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आई लिखा है, यहाँ पे जो आई है वैसे तो इज है, ठीक है, तो इसके बाद आपका यहाँ पे आई स्मॉल होना चाहिए, लेकिन नहीं, स्मॉल नहीं, हमने कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर में, क्योंकि ये प्रोनाउन का आई है, ठीक है। उसके बाद है ओ दैट कम सून, तो यहाँ पे जो ओ, ओ का ओ बोला ही, ये क्या है, इंटरजेक्शन का ओ है, ठीक है ना, तो इंटरजेक्शन ओ जो भी होगा उसे हम क्या लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटरजेक्शन का जो ओ है वो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा गया है।
ठीक है। फोर्थ है टाइटल और हेडिंग का पहला अक्षर, यानी टाइटल और हेडिंग के जो मुख्य जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल लेटर, यानी किसी भी वर्ड का पहला अक्षर जो होगा आपका कैपिटल लेटर होगा, किसमें कोई भी टाइटल हो कोई भी हेडिंग हो, ठीक है। चाहे वो आपकी बुक की हेडिंग हो, किसी चैप्टर की हेडिंग हो, किसी एसे की हेडिंग हो, तो उसमें आप वर्ड तो बहुत सारे लेटर से मिलके बनता है लेकिन उसका जो पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे निकाल द ग्रीडी डॉग, ठीक है, तो द ग्रीडी डॉग, द का टी और ग्रीडी का जी और डॉग का डी, तो यहाँ पे ये सारे क्या है कैपिटल लेटर में है, ठीक है, ये सारे क्या है आपके कैपिटल लेटर में है। और ये क्या हेडिंग ऑफ द स्टोरी, ये एक स्टोरी की हेडिंग है, ठीक है। किसी भी चैप्टर में कोई भी चैप्टर आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो उसके ऊपर एक हेडिंग होती है, तो उसके जो हेडिंग का जो लेटर है यानी उस वर्ड का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। कभी भी आप पढ़ो तो उसमें ध्यान देना इसी तरीके से लिखा गया होगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ पे देखो हिस्ट्री का एच ये क्या है कैपिटल लेटर में है, फ्रीडम का एफ कैपिटल लेटर में है, और मूवमेंट का एम ये भी कैपिटल लेटर में है, और ये क्या है टाइटल ऑफ द बुक, यानी किसी भी बुक का एक टाइटल, ठीक है। ये बुक किसके बारे में दी गई है तो उसके बुक का जो टाइटल है वो कैसा है, उसके जो वर्ड है यानी उसके जो शब्द है उनका जो पहला अक्षर है वो कैसा है कैपिटल लेटर में आपको यूज़ करना है, ठीक है, वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, ठीक है। द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये क्या है एक ऐसे, जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उसके ऊपर जो हेडिंग डालते हैं उसका भी जो पहला लेटर होता है हमेशा हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। रूल फिफ्थ क्या है, वीक्स मंथ्स लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल और सब्जेक्ट, यानी इनके नाम का जो पहला लेटर होगा, ठीक है, पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पे संडे, तो संडे का जो ये इसका जो पहला लेटर ये कैसा है कैपिटल लेटर, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो यहाँ पे जितने भी आप डेज नेम लिखे होंगे उनके नाम का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। और इनको आप जहाँ भी यूज़ करो सेंटेंस में, बीच में, शुरू में या लास्ट में, लेकिन इनका जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। वैसे मंथ में फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो इनके नाम का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपका हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स कुछ भी, तो उनके नाम का जो पहला लेटर होगा कैपिटल लेटर में होगा। फेस्टिवल नेम होली दिवाली, ठीक है, रक्षाबंधन भाई दूज, ठीक है, तो इनके नाम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। कोई भी आपका रिलीजन, कोई भी समुदाय, ठीक है, कोई भी धर्म आपका, तो हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, तो ये सारे क्या होंगे आपके कैपिटल लेटर में होंगे, इनके नाम का जो पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। सिक्स रूल है पॉलिटिकल पार्टीज नेम, पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो भी आपकी राजनीतिक पार्टीज होती हैं उनके नाम का भी पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। जैसे द कांग्रेस पार्टी, ठीक है, यहाँ पे जो नाम है वो कैपिटल लेटर में है। द जनता पार्टी, तो यहाँ पे जो जनता का जे है वो भी कैपिटल लेटर में है, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगे उनके नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा, ठीक। तो अभी तक हमने सिक्स पढ़े, अब सेवन। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू होने वाले वाक्य, यानी जो भी वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू होते हैं उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा कि तो व्हाट आर डूइंग, तो यहाँ पे जो व्हाट है, जो यहाँ पे जो व्हाट लिखा है उसका जो पहला लेटर है यानी W वो कैसा आपका कैपिटल लेटर है, क्यों, क्योंकि यह वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू हो रहा है, ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यानी जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू होता है लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा डोंट मेक नॉइज, ठीक है, शोर मत करो या शोर मत मचाओ, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट यानी डू का जो डी है वो कैसा है आपका कैपिटल लेटर में है, क्यों, क्योंकि यह वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू हो रहा है, और जो भी वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। एट्थ है रिवर ट्रेन शिप माउंटेन, ठीक है, कोई भी नदी, कोई भी ट्रेन, कोई भी
जहाज जो भी होते हैं आपके, और माउंटेन यानी कोई भी पहाड़ों के नाम, उन सब के नामों का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा, ठीक है। के नामों का पहला लेटर जो भी होगा कैपिटल लेटर में होगा। जैसे मैंने लिखा द हिमालयस, तो हिमालय का जो एच है वो कैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, ठीक है, वो क्या है माउंटेन का नेम है। द तूफान एक्सप्रेस, तो तूफान का जो टी है वो कैपिटल लेटर में है और ये ट्रेन का नाम है, ठीक है। द गंगा, द यमुना, ठीक है, तो गंगा का जी और यमुना का वाई, ये दोनों क्या है आपके कैपिटल लेटर में है। क्यों? क्योंकि ये किसी रिवर के नाम है और रिवर के नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक भी साथ के साथ करते जाए, ठीक है। नाइन है होली बुक्स और न्यूज़पेपर, ठीक है। जितने भी हमारी होली बुक्स होती हैं और न्यूज़पेपर, उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है द रामायण, तो रामायण का जो आर है वो कैपिटल लेटर में है, गीता का जी कैपिटल लेटर में है, और कुरान का के कैपिटल लेटर में है, ठीक है। ये क्या है आपके होली बुक्स के नाम है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम का टी, इंडिया का आई, ये क्या है आपके दोनों ही कैपिटल लेटर में, और ये न्यूज़पेपर का एक नाम है, ठीक है। दूसरा है द हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान का एच और टाइम्स का टी दोनों ही क्या है आपके कैपिटल लेटर में, और ये न्यूज़पेपर के नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझना है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स में आए प्रत्येक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे का आई, ठीक है, ये कैपिटल लेटर में होगा, और डे का डी कैपिटल लेटर में होगा, यानी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। द सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, तो क्या है द सेकंड वर्ल्ड वार, तो सेकंड का एस, वर्ल्ड का डब्ल्यू और वार का डब्ल्यू, ये तीनों ही क्या है आपके कैपिटल लेटर में है। ये क्या है आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे, तो ये सारे क्या हैं आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इसीलिए इनके नाम पे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में है, और इनको जब जहाँ भी लिखेंगे हम हमेशा इनके नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में ही रहेगा, ठीक है, चाहे सेंटेंस में कहीं भी यूज़ हो। 11 है अधिकांश एब्रिविएशन से प्रयुक्त प्रत्येक, अधिकांश एब्रिविएशन में प्रत्येक लेटर कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। एब्रिविएशन मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़, किसी भी वर्ड का जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हम उसे एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है। एब्रिविएशन में जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके नाम का पहला लेटर होता है उसे हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, एब्रिविएशन में। जैसे BA, ठीक है, तो BA यानी BA यहाँ पे क्या है दोनों ही कैपिटल लेटर हैं, और ये क्या है एब्रिविएशन है, क्योंकि इसका पूरा मीनिंग होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया बैचलर का बी और आर्ट्स का ए दोनों को हमने यहाँ पे क्या लिखा कैपिटल लेटर में, क्योंकि ये है एब्रिविएशन, ठीक है। देखा यू एंड नो, तो यहाँ पे क्या है तीनों ही कैपिटल लेटर हैं और ये क्या है एब्रिविएशन है, ठीक है, BBA, ठीक है। तो ऐसे, और इस चीज इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है यहाँ पे, जैसे जब एब्रिविएशन में एक से अधिक लेटर हो, मतलब एब्रिविएशन में एक से अधिक लेटर हो, तो उसमें क्या होगा उसका जो पहला एब्रिविएशन होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे, ठीक है। जैसे ISC, ठीक है, MSc, तो MSc में M कैपिटल है, बाकी ये दोनों स्मॉल में है, तो MSc, BSc में B कैपिटल है और बाकी S और C दोनों स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो ऐसे सेकेंड है आपका सम एब्रिविएशन स्मॉल लेटर, कुछ एब्रिविएशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, जैसे MAAM, ठीक है, इसका यूज़ हम सुबह के लिए करते हैं, सुबह के टाइम के लिए, तो AM, PM होता है आपका दोपहर के 12 बजे के बाद, ठीक है, तो हम उसे PM लिखते हैं, यानी स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल का जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है एग्जाम्पल का जी और ई और जी दोनों ही मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, तो एग्जाम्पल का हम ई और जी स्मॉल लेटर में लिखते हैं और एक्सेट्रा। आई होप आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना होगा और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक करना